नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सत्संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर महाराज की कृपा से गुरु जी की ब्रज संगत तनुज कपूर आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत तनुज कपूर आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू अंकल जी, एंड थैंक यू सो मच गुरु महाराज। नमस्ते गुरु जी, और गुरु जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई जर्नी विद यू। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेल योर संगत हाउ ब्यूटिफुल लाइफ बिकम्स व्हेन वी यू नो व्हेन गुरु जी टेक्स अस इन हिज फोल्ड एंड हाउ नेचुरली वी जस्ट ब्लेंड विद हिज हुकुम एंड देन वी स्लोली बिगिन टू लिव आर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स दैट ही हैज लेड डाउन फॉर अस, और आई विल से द प्रिंसिपल्स, द वचन्स दैट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो। संगत जी, ये अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। आई हैव नॉट मेड एनी स्पेशल एफर्ट टू यू नो मेक माई कनेक्ट विद गुरु जी, दिस कनेक्शन, दिस वन टू वन कनेक्शन टू मेक इट स्ट्रोंगर। देर हैज बीन नो स्पेशल एफर्ट ऑन माई पार्ट, ये सब गुरु जी की ही मेहर है। ओवर द ईयर्स माई लव फॉर गुरु जी हैज डीपन्ड सो मच दैट टूडे आई जस्ट एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ एज गुरु जी इज प्लानिंग। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द गुरु जी संगत, स्पेशली जो पुरानी संगत है, इतने सालों में गुरु जी ने इतना ठहराव दे दिया है, इतने अपने बारे में समझ दे दी है, और आई वुड से ही इज द परफेक्ट गुरु। ही हैज गाइडेड अस हाउ टू लिव आर लाइफ टू अवॉइड स्ट्रेस इन लाइफ एंड हाउ टू वॉक द पाथ दैट गुरु जी हैज गाइडेड अस, आई विल से, बिकॉज ही इज आर गुरु जी। ही हैज लेफ्ट अस विद सो मच एंड ही स्टिल गाइडिंग अस एट एवरी स्टेप एवरी डे। तो संगत जी, ये आई थिंक अ लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड एंड वी जस्ट लीव इट टू गुरु जी। वी काइंड ऑफ हैंड ओवर द रेन्स ऑफ आर लाइफ, जैसे गुरु जी ने कहा था, अपनी जिंदगी के घोड़े की लगाम अगर आप मेरे हाथ में दोगे तो मैं बिल्कुल उसको सीधा ले जाऊंगा। सो इट इज नॉट ईजी बिकॉज लाइफ थ्रोज मेनी चैलेंजेस टूवर्ड्स अस, बट संगत जी, ऑल वी नीड टू रिमेंबर इज कि जब गुरु जी ने अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रख दिया, या जब गुरु जी ने अपनी दया दृष्टि हम पर डाल दी, बस उस दिन से ही हमारा कल्याण हो गया। एंड ऑल दीज चेंजेस दैट हैपन विद इन अस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ दैट कृपा, दैट कल्याण, जेड़ा गुरु जी कहते सी ना, कल्याण हो गया, कल्याण करा गई। उस दिन हर बार अलग अलग वजह से गुरु जी की दया दृष्टि होती थी एंड वी नेवर केम रियलाइज किस चीज की मेहर गुरु जी ने की है। बट वन इज सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू महाराज दैट महाराज ने अपने चरणों के साथ जोड़ा और इतने सालों में आज तक अपने साथ जोड़ के रखा है, अपना प्यार इतना देते हैं, अपना जिसे कहते हैं शरण में रखा हुआ है। ही प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग डीप इन टू हार्म। उतराव उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगे रहेंगे, वी आर ह्यूमंस, बट गुरु जी हैज टॉट अस हाउ टू नेविगेट थ्रू थिंग्स वाइल बीइंग कनेक्टेड टू हिम। एंड संगत जी, वी ऑल नो, बट आई वुड लाइक टू से अगेन दैट गुरु जी लव फॉर हिज संगत इज इमेंस एंड देर आर नो बाउंड्रीज और लिमिट्स टू हिज कृपा। ये गुरु जी की मौज है। गुरु जी जैसा देखते हैं कि मेरे भक्तों पर, मेरी संगत पर कोई कष्ट आने वाला है, तो गुरु जी उसका पहले से ही निवारण कर देते हैं। एंड ही स्टैंड्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू ब्लॉक एनी हार्म कमिंग टू हिज संगत। संगत जी, दीज आर माई एक्सपीरियंसेस ओवर द ईयर्स एंड आई नो मैं भी सब पुरानी संगत के और नई संगत के एक्सपीरियंस से सुनती हूँ, सत्संग शेयरिंग सुनती हूँ, एंड आई एम सो अमेज्ड
कि गुरु महाराज ने कितनी कृपा की है ऑन टू संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आज भी कर रहे हैं। नई संगत जो आई वुड से 31 मई 2007 के बाद जुड़ी है, दे आर डीपली कनेक्टेड टू गुरु महाराज, और गुरु महाराज कैसे उनपे अपनी मेहर बरसा रहे हैं। सो आई एम टोटली अमेज्ड कि 31 मई आ रहा है नजदीक, दिल भारी हो जाता है, बट जब सबके सत्संग सुनती हूँ, जो हमारे साथ भी 2007 के बाद इतनी इतने आई विल से मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स महाराज ने दी हैं और दे रहे हैं, और नई संगत को कितनी उन पर कृपा कर रहे हैं, देन वी बिगिन टू थिंक महाराज तो कहीं नहीं गए। ऑफ कोर्स लाइक एवरीबडी एल्स आई रियली मिस बीइंग विद हिम, टॉकिंग टू हिम एंड जस्ट सीइंग हिम, सीइंग दैट ब्यूटिफुल स्माइल, बट वी कांट चेंज दैट। बट द गुड थिंग इज कि महाराज हमारे साथ ही हैं, हमारे आसपास हैं। और सो आई विल कम बैक टू, जैसे महाराज वाज आई वाज सेइंग कि गुरुजी लव्स हिज संगत एंड ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट ही सीज। हमें नजर नहीं आती बट उनको पता चलता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट माय संगत इज गोइंग टू फेस। एंड फॉर गुरुजी हेल्थ इज प्रायोरिटी, सबसे पहले तो जीवन है। दैट ऑल्सो गुरुजी नोस, कुछ संगत को महाराज ने जीवन दान दिया और कहा, बहुत बार कहा न्यू लाइफ, बट कई बार महाराज ने कल्याण इस तरह किया दैट ही गेव एन एंड टू द सफरिंग। सो दिस इज परमात्मा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हाउ कैन वी कंपेयर एंड हाउ कैन वी क्वेश्चन, दिस इज द गाइडेंस एंड दिस इज द लर्निंग दैट गुरुजी महाराज धीरे धीरे ओवर द इयर्स ही हैज टॉट अस, ही हैज टॉट मी। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड दिस इज द एक्सेप्टेंस दैट ही इज माई गुरु, ही इज माई गॉड, ही इज माई प्रोटेक्टर। सो द एक्सेप्टेंस ऑफ एवरी सिचुएशन लाइक आई सेड कम्स नेचुरली। सो और दूसरा जीवन है और उसके बाद हेल्थ, बिकॉज फॉर गुरु जी ही नोज, जब हम अच्छी सेहत हमारी होगी, हमारी हमारे परिवार की, देन वी विल एंजॉय लाइफ एंड ही वॉन्टेड हिज संगत टू एंजॉय लाइफ। ही सेड ऐश करो। नाउ ऐश करो डज नॉट मीन ओनली टू एंजॉय लाइफ इन अ मटीरियलिस्टिक वे। वॉट आई नाउ रियलाइज, ऐश करो मीन्स वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हिज ब्लेसिंग्स, एंड हिज ब्लेसिंग्स इंक्लूड एवरीथिंग। इट इंक्लूड्स गुड हेल्थ, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल कंफर्ट, इट इंक्लूड्स द चेंजेस दैट हैपन विद इन अस ओवर द टाइम। ईच वन ऑफ अस हैव रियलाइज्ड कि हमारे अंदर कितना बदलाव होता है, हमारा नजरिया बदल जाता है। वी नो लॉन्गर आई वुड से लॉन्ग फॉर और क्रेव फॉर और रादर गिव इंपॉर्टेंस टू मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। जैसे गुरबानी में कहते हैं दैट नाम सिमरन एंड गुरुजी दर्शन, स्पेंडिंग टाइम विद गुरुजी, हियरिंग अबाउट गुरुजी, टॉकिंग अबाउट गुरुजी, टॉकिंग अबाउट हिज महिमा, ऑल दीज थिंग्स गिव सो मच प्लेजर दैट इट इज इन देर इज नो कंपेरिजन टू द मटीरियलिस्टिक आई वुड से कंफर्ट्स। वो तो आप अगर गुरुजी की संगत है आप मान के चलिए, गुरुजी विल ऑलवेज कीप यू कंफर्टेबल एंड ही विल ऑलवेज कीप यू इन गुड हेल्थ इन द लॉन्ग रन। जो भी छोटे मोटे कष्ट आते हैं और आएंगे जिंदगी में, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट वी आर ह्यूमन एंड वी आर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। बट गुरुजी कहते सी ना, ये सब कर्मादायी खेल है, जो पुराने कर्म हम करके आए हैं उसी के अकॉर्डेंस में हमें यहाँ जीवन मिला है, रिश्तेदारियां मिली हैं, हम कितने गरीब हैं, हम फाइनेंशियली कितने अमीर हैं, हमारा क्या स्टेटस है, इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट वी आर टुडे। ये समझ भी गुरु महाराज ने दी है, गुरबानी के थ्रू दी है। इफ आई टॉक अबाउट बिफोर 1989, इन 1989 गुरुजी ने हमको अपनी शरण में लिया, बट उस वक्त ये समझ नहीं आ गई।
ये धीरे 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 समझ आई कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. सो देर इज आई मीन देर इज नॉट इनफ थैंक्स. गुरु महाराज को कितना शुक्राना करें कभी भी पूरा नहीं होगा, हमेशा ही कम रहेगा. बिकॉज महाराज इज बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आ जो हमें नजर आ रहा है. सो नाउ आई विल शेयर अ फ्यू सत्संग्स रिगार्डिंग गुरु जी कैसे हेल्थ हेल्थ बख्शते हैं. क्योंकि फॉर हिम हिज संगत्स हैप्पीनेस इज हिज प्राइम गोल. वो कहते सी एयो ते मैं करण आया. एंड ऑल्सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कर्म, कि जो पुराने कर्म हैं जिसकी वजह से अच्छी जिंदगी है, या जो हम कष्ट भोग रहे हैं, या कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ निभाना मुश्किल होता है, बट गुरु जी कहते हैं कि ये जो तुम लेके आए हो इसको मेरे साथ काट लो. हैव पेशेंस, हैव टॉलरेंस, निभा लो वो सारे रिश्ते. और जब धीरे धीरे टाइम आएगा मैं नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन से निकाल दूंगा. एंड ही हैज शोन, ही हैज डन दैट. बट हैव फेथ इन हिम एंड गो थ्रू ऑल दी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, बिकॉज आ गुरु इज सुप्रीम, हिज परमात्मा. सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट 1989, जब गुरदासपुर में, और ब्रीफ में बोलूंगी. 1989 में गुरु जी ने गुरदासपुर में, हम मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, वहां उनकी पोस्टिंग थी. गुरु जी वहां आए थे अपनी संगत के घर. एंड हम गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बट गुरु जी का जैसा हुक्म हुआ ना चाहते हुए भी हम उस दरबार में पहुंच गए. एंड नोबडी न्यू दैट आई वॉज गोइंग थ्रू इमेंस बैक ट्रबल. माई लो बैक बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी, बट आउटवर्डली आई वॉज हेल एंड हार्टी, आई लुक्ड हेल एंड हार्टी. बट गुरु जी को पता था कि वॉट आई एम गोइंग थ्रू, एंड मे बी इट वॉज गोइंग टू इंक्रीज. तो गुरु जी का बुलावा आया. जैसे मैंने कहा, हम ऐसे परिवार से नहीं थे जो कभी भी गुरुओं के पास गए हों. और तो गुरु जी ने, जैसे हम अंदर भी थोड़ा लेट गए थे, क्योंकि सेकेंड टाइम जो होस्ट थे उन्होंने हमें फोन किया कि आप आए क्यों नहीं. नाउ आई डोंट नो उन्होंने खुद किया या गुरु महाराज ने उनको बोला हमको दोबारा फोन करने के लिए. आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज आई नेवर आस्ट. बट उनका फोन आया कि आप अभी तक आए नहीं. सो लैंडलाइन फोन थे आर्मी वाले, तो हम वहां पहुंचे. और कोई ऐसा हमारे दिल में भाव नहीं था कि कौन होंगे, किस तरह के गुरुजी होंगे. आई थिंक वी जस्ट वेंट बिकॉज माई हस्बैंड वॉन्टेड टू डू वॉट हिज बॉस वॉन्टेड. हिज बॉस उनके घर आए थे गुरुजी. तो जब मैं वहां पे बैठने लगी, और ज्यादा संगत नहीं थी, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड दिस एक्सपीरियंस ऑफ माइन, क्योंकि दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, और मैं हर बार इसको जरूर शेयर करती हूँ. बट दे मे बी सम न्यू संगत हु यू नो हु विल रियलाइज कि जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो हम उनके दरबार में नहीं पहुंच सकते. और जब गुरु जी का बुलावा हो तो हम कितना भी ना जाना चाहें हम वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि गुरु जी हमारा कल्याण करना चाहते हैं. किसी वजह से हम वहां हैं. आज भी जो संगत सुन रही है किसी वजह से है. किसी सत्संग में हम जाते हैं, या बड़े मंदिर जाते हैं, या गुरु जी के किसी भी दरबार में जाते हैं. इट इज ऑल बाय हिज आज्ञा, हिज हुकुम, एंड देर इज अ रीजन. आपको कई बार आपकी ब्लेसिंग्स कहीं लिखी हैं. गुरु जी ने किसी जगह आपका कल्याण करना है. जब गुरु जी चोले में थे तब भी, जब दरबार में बैठे होते थे, गुरु जी वुड कॉल यू टू समबडी एल्सेस हाउस, या वहीं से आपको किसी और के घर ले जाते थे. बिकॉज वॉट आई कैन ओनली इन सिंपल वर्ड से कि गुरु जी ने आपका कल्याण किसी उस स्थान पे करना था, उस टाइम पे करना था, विच गुरु जी नोज. एंड देर इज नो वे दैट आई और यू और एनी ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड परमात्मा's प्लानिंग. तो ये बहुत बार हुआ है कि गुरु जी किसी के घर ले गए हैं, या किसी रेस्टोरेंट में ले गए हैं, किसी से उस रेस्टोरेंट में ही हैज टोल्ड समबडी टू पे द बिल, व्हाई नॉट समबडी एल्स एंड व्हाई समबडी. उनका कल्याण किसके थ्रू हो रहा है, उनका कष्ट
पैसे खर्चवा के हो रहा है या उस जगह पे हो रहा है, एंड अलोंग विद दैट संगत और भी जो लोग उस रेस्टोरेंट में हैं या वहां काम करते हैं, गुरुजी हैज ऑल दैट इन हिज माइंड. सो द ओनली थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड इज गुरुजी इज सो लार्ज हार्टेड और उनका उनकी ब्लेसिंग्स इतनी यू नो दे आर सो इमेंस एंड सो आई मीन फार रीचिंग, और वो सभी का कल्याण करते हैं. सो दैट फर्स्ट डे जब मैं बैठने लगी, गुरुजी ने बैठने भी नहीं दिया और हाथ के इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया. संगत जी हियर आई वॉन्ट टू शेयर एंड आई हैव शेयर कि उन दिनों में गुरुजी चोले नहीं पहनते थे. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1989. गुरुजी यूज टू लिव इन जलंधर, बट जलंधर से गुरुजी गुरदासपुर आए थे उनके घर. और गुरुजी वॉज सिटिंग देयर, ही वॉज इन 89, मच यंगर, लुकिंग वेरी हैंडसम इन अ क्रीम सफारी सूट विद मैचिंग पेटेंट लेदर क्रीम शूज. और जैसे गुरुजी बैठते हैं, एक पाँव नीचे दूसरा उसके ऊपर, एक पाँव के ऊपर, एंड हाथ के इशारे से उन्होंने अपने पास बुलाया. मैं गई वहां चल के, मैंने उनको नमस्ते की एज इट वॉज माई अपब्रिंगिंग. मुझे नहीं पता था कि मत्था टेकना होता है. आई वी हैड कम लेट, किसी को नहीं देखा था. बट संगत जी, गुरु जी आपका भाव देखते हैं, आपका प्यार देखते हैं, और जिस चीज के लिए उन्होंने बुलाया, ही विल फोकस ऑन दैट. सो देर इज नो प्रिटेंस रिक्वायर्ड कि आप, कई बार मैं देखती हूँ संगत आसपास लोग बैठे हैं, उनको दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं. हम लोग शायद भूल जाते हैं कि जिस जो परमात्मा है, जिनका आसन लगा है, वी मे नॉट बी एबल टू सी हिम नाउ, बट वो तो हम सबको देख रहे हैं. एंड प्रिटेंस, शो ऑफ करना, बनावटी अंदाज, बनावटी बिहेवियर गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं है. ही जस्ट लाइक्स अ प्योर हार्ट, क्लीन हार्ट. सच्ची हूं, किसी किस्म का दिखावा नहीं चाहिए, ना उनके लिए ना किसी और के लिए. एंड नेवर एवर इन योर लाइफ ट्राई टू स्पॉइल समबडी एल्सिस लाइफ. किसी की जिंदगी में आप काम मत बिगाड़िए, किसी के लिए कोई किस्म के विघ्न मत डालिए, कोई प्लानिंग ऐसे मत करिए जिसमें दूसरे का नुकसान हो, दूसरे का घाटा हो. यू विल नॉट रियलाइज बट गुरु जी आपसे मुंह मोड़ लेंगे, बिकॉज ही जस्ट डजेंट लाइक दिस. वो कहते हैं जब मैं सबका भला करता हूं तो वॉट काइंड ऑफ प्लानिंग आप करते हैं, नेगेटिव प्लानिंग. और अगर आप मेरी संगत हैं देन दिस इज नॉट अलाउड. सो हमेशा अच्छे भाव रखिए. सो द गुरु जी ने अपने पास बुलाया, और जैसे मैं वहां पहुंची, नमस्ते की, गुरु जी ने जो साथ आंटी बैठे थे, ही टोल्ड हर आंटी इनू अंदर ले चल. मैं पंजाबी समझती हूँ, मैं समझ गई. आंटी गॉट अप, आई वॉज ऑलरेडी स्टैंडिंग एंड गुरु जी गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर. वी वेंट इन टू द साथ वाले कमरे में. अंदर जाते ही गुरु जी सेड चल हुन तू पुठी लेट जा. मैं लेट गई अपने पेट के बल. संगत जी कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क आया ही नहीं दिल में, दैट व्हाई इज ही टेलिंग मी दिस, व्हाट डज ही प्लान टू डू. बट दिस इज, आई वुड से दिस इज ऑल गुरु जी प्लानिंग. जब वो चाहते हैं हम कुछ करें, वी विल जस्ट डू इट. सो मैं वहां लेट गई और गुरु जी मेरे साथ आके बैठे घुटनों के बल. उनके पास एक वो चम्मच था जो पहली बार मैंने तब देखा. वो यू नो इट हैड अ स्पून विद अ वेरी लॉन्ग हैंडल, और वो गुरु जी उस स्पून के थ्रू मेरी बैग को देख रहे थे. और देख के फिर मैंने पंजाबी च कह दिन ले ऐते पूरी हिली पई है. फिर गुरु जी ने वो स्पून नीचे रखा और अपना हाथ मेरी बैग पे नीचे से लेकर ऊपर तक जोर से दबाते हुए ले गए. और उसके बाद मैंने कह दिन चल हुन तू खड़ी हो जा. संगत जी मैं खड़ी हुई एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई वॉज गोइंग थ्रू एक्यूट पेन. एवरी टाइम आई पुट प्रेशर ऑन माई लेग्स इट यूज टू बी बैड एंड सम डेज वर एक्सट्रीम. मतलब गुरु जी ने जब सबसे पहले यही किया तो यू आप समझ सकते हैं दैट इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो फिर गुरु जी ने कहा चल हुन तू खड़ी हो जा. संगत जी मैं खड़ी हुई एंड आई एक्सपीरियंस्ड अ मिरेकल. मैंने दोनों टांगों पे बारी बारी से प्रेशर डाला एंड देयर वाज नो पेन एट ऑल.
मैं अगर तब की भाषा में बोलूं तो इट वॉज अ मिरेकल एंड आई स्माइल्ड एंड गुरुजी स्माइल्ड बैक, बट टुडे आई विल से दैट दैट वॉज हिज ब्लेसिंग. आई वोंट इवन से हिज फर्स्ट ब्लेसिंग बिकॉज एज शिवजी ही हैज बीन ब्लेसिंग मी सिंस माई चाइल्ड हुड. देन आई डिडन्ट नो, बट फॉर मी इट हैज ओनली बीन शिवजी फ्रॉम माई चाइल्ड हुड. एंड देन गुरु जी टुक ओवर, तो मेरे दिल में तो कभी कोई कश्मकश रही ही नहीं कि गुरु जी मिल गए हैं तो इसको पूजना है कि नहीं पूजना, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या ना करूं. दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम हिम दैट देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन माई माइंड एंड ही नोज दैट फॉर मी इट इज ओनली हिम, देर इज नो बडी एल्स. मेरा तो एक ही सहारा है एंड ही हैज नेवर लेट मी डाउन. तो संगत जी दैट वॉज द ब्लेसिंग दैट ही गेव विच मेड माई लाइफ मोर जॉयफुल. जब आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं तो आप आपकी लाइफ भी खुशनुमा हो जाती है. देन आई विल एट द सेम डे वेन वी केम बैक एंड सैट इन द लिविंग रूम, यू नो टू माई सरप्राइज, मैं बिल्कुल छोटा कर रही हूं, ही ब्लेस्ड मी विद अमृत प्रसाद. आई डिडेंट नो वॉट इट वॉज, बट बैठे बैठे गुरु जी मेरी तरफ देख रहे थे और गुरु जी का मुंह लाल हो गया और बिल्कुल आस एवरीबडी वॉज जस्ट क्वाइट और हम लोग सब टेबल पे बैठ के लंच कर रहे थे. सो मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई कि क्यों गुरु जी मेरी तरफ इस तरह से देख रहे हैं और उनका मुंह लाल हो गया है. फिर गुरु जी ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में और एकदम मुट्ठी बंद करके नीचे ले आए और अपना हाथ मेरे सामने रख दिया. एंड ही ओपन्ड हिज हैंड एंड ही टोल्ड मी चल ए तू खा ले. संगत जी उन्होंने मुट्ठी खोली मेरे सामने, उसमें पंजीरी थी, गीली पंजीरी उन्होंने अपने हाथ से मेरे हाथ में डाल दी और मैंने वो खा ली. संगत जी आई डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट इट, मेरे माइंड में आई एम अशेम्ड ऑफ इट टूडे, बट वो मेरा नेचुरल भाव था. मेरे माइंड में आया कि वाई इज दिस मैन शोइंग ऑफ सो मच. तब तक मेरा गुरु जी के प्रति भाव बदल गए थे. आई वॉज जस्ट सो स्टन्ड एंड अट्रैक्टेड टू हिम दैट, बट स्टिल आई हैड दिस फीलिंग कि वाई इज ही शोइंग ऑफ, ये इस तरह की मैजिक ट्रिक्स क्यों कर रहे हैं. बट टूडे आई अंडरस्टैंड वॉट इट इज. और क्या पता कितने आगे तक के जो कष्ट मेरे लाइफ में आने थे और आई वुड से इमेंस ब्लेसिंग, भर भर के महाराज ने वो ब्लेसिंग्स दी और डिवाइन प्रसाद दिया. एंड ही नेवर आस्क्ड मी टू शेयर विद एनीबडी, ही जस्ट सेड तू खा ले, मैं खा लिया. लेटर ऑन माई हस्बैंड केम टू मी एंड ही सेड सब लोग कह रहे हैं दैट दिस इज रेयर, इट हैपन्स ओनली समटाइम्स, और जब गुरु जी ऐसा डिवाइन प्रसाद देते हैं देन वी शुड शेयर विद एवरीबडी. बट आई सेड आई डोंट नो, ही आस्क्ड मी टू हैव इट एंड आई हैव. सो संगत जी दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी विद गुरु जी महाराज इन 1989 फ्रॉम गुरदासपुर. और गुरु जी ने उस दिन बड़े प्यार से, जब हम आ रहे थे वापस, गुरु जी को हमने तब मत्था टेका और गुरु जी से इजाजत ली तो गुरु जी ने बड़े प्यार से कहा कदी साडे वाल भी आओ ना. ही गेव हिज एड्रेस ऑफ जलंधर डिफेंस कॉलोनी 300 एंड ही सेड कदी साडे वाल भी आओ. एंड संगत जी हमने कहा हम जरूर आएंगे गुरु जी. सो संगत जी देर इज ऑल्सो अ लेसन बिकॉज ओवर द ईयर्स वन बिगिन्स टू अंडरस्टैंड गुरु जी, क्या एक एक वर्ड गुरु जी का. सो गुरु जी हमारे दिल में रहते हैं, गुरु जी को हम हर हर जगह गुरु जी हमारे पास हैं, फिर भी टू चार्ज आर बैटरीज टू गेट हिज ब्लेसिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन वी मस्ट विजिट हिज दरबार. एंड आई दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग इट्स. एंड ऑफकोर्स आई नो कितने एक्सपीरियंसेस हैं गुरु जी के कि गुरु जी इज विद मी ऑल द टाइम और घर बैठे उन्होंने कल्याण किए. बट फिर भी जो देर इज इम्पोर्टेंस इन द फैक्ट
दैट वी नीड टू गो टू हिज दरबार। एंड गुरुजी कहते थे अंधेरो, पहले दिन तो उन्होंने कहा कि कभी साढ़े वाल भी आओ ना, उसके बाद जब भी जाते थे ही वुड से अंधेरो, एंड नॉट ओनली टू अस, बहुत संगत को अंधेरो। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट वेन एवर इट इज पॉसिबल वी मस्ट मेक द एफर्ट टू गो टू हिज दरबार। आई एम इन दिल्ली सो आई विल से एज ऑफन एज यू कैन गो टू बड़े मंदिर, अपार्ट फ्रॉम स्टेइंग कनेक्टेड टू हिम ऑल द टाइम। सो संगत जी, मैं एक और जलंधर का बताती हूँ कि जलंधर में, एंड गुरु जी डजेंट नीड टू बी टोल्ड, इवन इन गुरदासपुर नो बडी टोल्ड हिम एंड नो बडी एल्स न्यू अबाउट माई बैक, बट ही न्यू। इन जलंधर में अपनी मदर को लेके गई थी। आई एम टेलिंग यू ब्रीफली एज अ लॉट ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस हैव बीन शेयर्ड। जलंधर में जब मैं अपनी मदर को लेके गई थी तो गुरुजी ने, माय मदर वाज हैविंग सम ट्रबल विद हर मिडल ऑफ द बैक, तो मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे साथ जलंधर चलो, मेरे गुरुजी आपको ठीक कर देंगे, एक विश्वास था। सो माय मदर स्माइल्ड बिकॉज शी वाज क्वाइट अमेज्ड दैट हर सो कॉल्ड एजुकेटेड डॉटर हैज अ गुरुजी, एंड शी वांट्स मी टू गो टू जलंधर टू हर गुरुजी। बट उन्होंने भी मेरा मान रखा और मेरे साथ जलंधर आए। हम जलंधर दोपहर को गुरुजी के पास अंदर गए तो थोड़े से लोग थे गुरुजी के जलंधर मंदिर में। वी यूज टू कॉल इट गुरुजीज होम, यू नो वी यूज टू ऑलवेज, जब भी गुरुजी के पास जाना, स्पेशली इवन एट एम्पायर स्टेट्स, समटाइम द चिल्ड्रन वुड से, यू नो आज वेर आर यू गोइंग, से वी आर गोइंग टू गुरुजीज। सो मतलब गुरुजी के घर जा रहे हैं। वी नेवर देन सेड कि वी आर गोइंग टू जलंधर मंदिर और वी आर गोइंग टू यस एम्पायर स्टेट, एवरीबडी न्यू, बट इट वॉज ऑलवेज आई एम गोइंग टू गुरुजीज दिस इवनिंग। सो जलंधर में वहां बैठे थे और गुरुजी इतने खुश हुए कि जब हम मम्मी और मैं गए, जो वहां थोड़ी संगत बैठी थी, गुरुजी वॉज स्माइलिंग लाइक अ लिटिल बेबी एंड ही वॉज ब्लशिंग एंड ही सेड ए मैनू मिलन आए, ए दिन दिल्ली आए मैनू मिलन। देखिए संगत जी, हमारा यस वी वेंट देयर फॉर अ रीजन, बट गुरुजी बड़े खुश थे एंड हमने वहां बैठ। सो गुरुजी को क्या चाहिए? गुरुजी को सिर्फ आपका भाव चाहिए, आपका प्यार चाहिए। जो बाकी चढ़ावे हैं वो हम अपने को खुश करने के लिए करते हैं, इट ओनली बूस्ट्स आवर ईगो आई थिंक, बट ही जस्ट वॉन्ट्स योर भाव, योर ट्रस्ट। आई टुक हर फ्रॉम दिल्ली टू जलंधर विद द ट्रस्ट दैट माई गुरु विल मेक हर ऑल राइट एंड ही वॉज सो हैप्पी। तो हम वहां बैठे थे एंड ही टोल्ड माय मदर, फिर आंटी की सेवा करिए थोड़ी। जब भी मैं ये सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या हमारी बुद्धि को हो गया था, पर शायद तब पता नहीं था कि कौन सामने बैठे हैं। उस वक्त तो इट वाज ओनली माय गुरु जी सिटिंग देयर, वाज जस्ट जस्ट अ लिटिल ओल्डर देन मी। आई नेवर रियलाइज्ड, मोस्ट ऑफ अस नेवर रियलाइज्ड। सो गुरु जी सेड और आंटी की सेवा करिए, एंड माय मदर ऑफ कोर्स टोल्ड हिम अबाउट हर प्रॉब्लम। गुरु जी स्माइल्ड एंड ही सेड कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने। माय मदर वाज सिटिंग ऑन अ मूड़ा और गुरु जी वहां अपनी चेयर से उठ के आए, मम्मी के पीछे गए, उनकी बैक पे उन्होंने मुकिया मारी ऊपर से नीचे तक, और फिर क्या, ही स्माइल्ड एंड ही सेड आंटी ठीक हो जाना है। सो संगत जी, व्हेन वी केम बैक टू दिल्ली, स्लोली इट जस्ट वेंट अवे। शी डिडंट रियलाइज, माय मदर नेवर रियलाइज कब वो ठीक हो गया, बट इट जस्ट वेंट अवे। बट लेट मी गो बैक टू द सेम डे जलंधर में, हम उस दिन जलंधर रुकना था हमने, एंड हम शाम तक दरबार में बैठे थे। तो शाम को गुरुजी मेरे पास आए, उस दिन गुरुजी ने कुर्ता पहना था और तहमत पहनी थी। मैं नीचे बैठी थी और गुरुजी वो कमरे के जो डोर में खड़े थे और मेजे आके कहते हैं, हो
और सब ठीक है? मैंने कहा गुरुजी सब ठीक है। एक बार और गुरुजी ने कहा, फिर सब ठीक है? मैंने कहा गुरुजी सब ठीक है। संगत जी, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम, बट मुझे शर्म आ रही थी गुरुजी के साथ शेयर करने को या गुरुजी को बताने को। बट जब गुरुजी ने अगर कल्याण करना है देन ही विल नॉट वेट। सो थर्ड टाइम अगेन ही सेड सब ठीक है, एंड आई अगेन सेड यस। सो गुरुजी वेंट इनटू द किचन, किचन से वो आए वापस और गुरुजी के हाथ में पान के पत्ते थे। गुरुजी वो पान के पत्ते लेके मेरे पास आए और ही नोज एवरीथिंग, बट उन्होंने फिर मेरा नाम पूछा, मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा और कुछ मंत्र उन्होंने बोले उसके अंदर, जो बिल्कुल भी समझ नहीं आए और ना ही समझ आते थे, सिर्फ एक हमिंग साउंड होती थी, गुरु जी कुछ कह रहे हैं। और फिर उन्होंने वो पत्ते मुझे दे दिए और मेरे जो पेट का निचला हिस्सा है वहां इशारा किया और कहा, एनानू तू ओथे रख लै ते शामी सुट दे। संगत जी देखिए, आई टुक दोस, आई वेंट टू द वॉशरूम और जैसा गुरु जी ने कहा था मैंने वहां रख लिए। गुरु जी को पता था दैट वॉट आई एम सफरिंग एंड उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी। संगत जी, वो प्रॉब्लम तो चलती रही बट मेरे को किसी किस्म की, टू लिव माई लाइफ नॉर्मली, टू डू ऑल एक्टिविटीज, देर वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। एवरीथिंग आई वॉज डूइंग, आई वॉज इवन प्लेइंग स्पोर्ट्स, उस प्रॉब्लम के होते हुए, ये महाराज की ब्लेसिंग्स का इफेक्ट है। बट आई नो वो जो महाराज ने उस दिन कल्याण किया था वॉज फॉर 10 years लेटर, 10 साल बाद, इन 99 मेरी हिस्टरेक्टमी हुई। हम लोग उधर थे इन हैदराबाद, माई हस्बैंड वॉज पोस्टेड देयर, बट एंड वी हैड डिसाइडेड टू डू दिस, गोइंग टू गो फॉर हिस्टरेक्टमी इन हैदराबाद, बट महाराज की और मर्जी थी, ही ब्रॉट मी टू दिल्ली एम्स। मैं बिल्कुल छोटे में बता रही हूँ, एंड माई सर्जरी वॉज डन एट एम्स। तो गुरु जी ने कब कल्याण करना है और जो कल्याण किया है वो कब के लिए है और कहाँ आपका कल्याण होना है, ऑल दिस इज प्लान्ड बाय गुरु जी। सो द सिंपलेस्ट थिंग फॉर अस टू डू इज टू जस्ट हैंड ओवर द रेन्स टू हिम। ज्यादा मत सोचिए, आई एम टेलिंग यू विद दिस सम एक्सपीरियंस, एंड बहुत पुरानी संगत है हु हैव हैड सो मेनी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस एंड सो मेनी मेनी मोर ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस दैट वी कैन से डोंट क्वेश्चन, डोंट इवन थिंक आपका काम क्यों नहीं हो रहा अभी, क्यों महाराज उनका तो कल्याण हो गया मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, गुरुजी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। जस्ट पुट ऑल योर वरीज टू रेस्ट, गुरुजी हर बात सुनते हैं, हमारी हर बात का, हमारे हर विचार का, हमारे हर भाव का उनको एहसास है, उन तक पहुंच जाता है। यू डोंट इवन हैव टू ओपन योर माउथ। बट पॉइंट इज कि इट नीड्स, हाउ डज दिस बॉन्ड ग्रो, यू नीड पेशेंस एंड जस्ट अनकंडीशनल फेथ दैट गुरुजी ने जब आपको एक्सेप्ट कर लिया देन ही इज लुकिंग आफ्टर यू। और उसका कल्याण कब करना है उस बात का, दैट ओनली ही नोज, सो वी शुड जस्ट लीव इट टू हिम। सो वॉट आई एम सेइंग इज कि माई हिस्टरेक्टमी सर्जरी वॉज डन इन 99 इन एम्स इन दिल्ली, गुरु जी इज प्लानिंग टोटली, एंड बट आई नो कि गुरु जी ने मेरी सर्जरी तो उसी दिन कर दी थी, 89 एंड में ही कर दी थी पान के पत्ते लगा के। एंड सो ओके, आई विल नाउ टॉक अबाउट यू नो लाइक मैं आई वॉज सेइंग कि गुरु जी हमारे हमेशा आस पास हैं। So, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि अगर आपको कोई भी चिंता है या कोई भी खुशी है विच यू वॉन्ट टू शेयर विद मी, जस्ट गुरुजी के स्वरूप के साथ बैठिए एंड जस्ट टॉक टू हिम। यू डोंट इवन नीड वर्ड्स, अपने दिल में,
अपनी खुशी का इजहार करिए, शेयर योर जॉय विद हिम, और जो भी कुछ वरीज हैं, जो भी एंग्जाइटीज हैं, हम सबको होती हैं। वी आर ऑल अ ह्यूमन, वी हैव पेरेंट्स, वी हैव चिल्ड्रन, वी हैव जॉब्स, हर किस्म की परेशानियां आती हैं, बट हैव द पेशेंस एंड हैव द फेथ कि गुरुजी के सामने आप बैठे, आपने अपने दिल की अपना दिल हल्का कर दिया उनके सामने, उन तक सब कुछ पहुंच गया। बिकॉज एक वो बहुत सुंदर गुरबानी का शब्द है, इट सेज जल थल महियल रहया भरपूर, निकट बसे ना ही प्रभ दूर। प्रभ तो बिल्कुल हमारे पास ही बैठे हैं। सो हियर आई विल अगेन टॉक अबाउट एक छोटा सा इंसिडेंट, मेरे को याद आ रहा है, ये महासमाधि के बाद का है। अब तो आपको पता है कितनी लंबी लाइनें लगती हैं, और गुरुजी के दर्शन करने के लिए फॉर दैट आल्सो यू नीड पेशेंस। एक दिन, दिस आई इज टॉकिंग अबाउट मे बी 6 7 years अगो, दरबार में बाहर दरबार बंद था, कोई मेंटेनेंस चल रही थी, तो जो बाहर का एरिया है वहां पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, एंड वहीं से संगत मत्था टेक रही थी, एंड द सेवादार अंकल्स वर से आस्किंग गाइडिंग एवरीबडी टू मूव। सो जब मैं भी लाइन में लगी थी, मेरे आगे शायद दो संगत थी और सब ऊपर जा रहे थे मत्था टेक के, साइड में से दे वर गाइडेड टू गो बैक फॉर चाय प्रसाद। तो जब मैं अपने दिल में एकदम, मेरे भाव अपने आप ही आ गया, ऐसे कोई बहुत देर से नहीं सोच रही थी, एकदम सडनली भाव आया, मैं क्या गुरु जी कदी कदी तुसी अपने कोल बिठांदे सी ना। और इतना सोचने में ही मैं ऊपर पहुंच गई, आई वॉज वॉकिंग अप, और जैसे ही मैंने मत्था टेका संगत जी, द सेवादार अंकल जी टोल्ड मी, आंटी आप थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। देखिए संगत जी कितनी जल्दी सुनते हैं। दिस इज जस्ट वन इंसिडेंट, इट्स नॉट दैट इट हैपेंस एवरी टाइम, बट द डे ही वॉन्ट्स यू टू सिट देयर, ही वॉन्ट्स टू ब्लेस यू फॉर समथिंग दैट ही नोज। सो आधा घंटा मुझे उस दिन सेवादार अंकल ने मुझे वहां बैठने दिया, और चाय प्रसाद भी वही दी। आई वॉज ऑन क्लाउड 9। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, मेरे दिल की इच्छा गुरु जी ने पूरी की, और कोई जरूर कल्याण उस दिन किया होगा। अब मैं आपको एक एक रीसेंट सत्संग है वो सुनाती हूँ, बट आई विल लिंक इट टू यू नो समथिंग दैट गोज बैक टू टाइम्स ऑफ एम्पायर स्टेट। जैसे मैंने कहा कि महाराज को अपनी संगत बहुत प्यारी है, और उनके हर कष्ट, वो देर इज नो लिमिट टू हिज ग्रेस, वो हर हद तक जा सकते हैं अपनी संगत का कष्ट दूर करने के लिए। और हम सबने देखा है और नई संगत ने सुना भी है कि कैसे गुरुजी बहुत कुछ अपने ऊपर लेते थे। फिजिकली वी सॉ इट, ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ फिजिकल पेन एंड सफरिंग अपनी संगत के कष्ट काटने के लिए। तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। दिस इज इन 2006। माई डॉटर वॉज यू नो इंक्लाइंड एंड वॉज इन लव विद वन बॉय, जो हमें लगा शायद अच्छा मैच नहीं है। और गुरुजी से मैंने सिर्फ इजहार किया कि महाराज बात नहीं मानती, तो गुरुजी ने कहा तू मना कर दे। मैं तो हैरान हो गई, गुरुजी कह रहे तू मना कर दे, मेरा दिल नहीं मान रहा इधर। माई डॉटर शी वॉज वेरी ग्रोन अप, शी वॉज वर्किंग, वॉज इंसिस्टेंट ऑन मैरिंग दैट बॉय, बट शी सेड आपकी इजाजत के बिना बिल्कुल नहीं करूंगी, आपको नहीं पसंद तो कहीं और करूंगी। तो बहुत कश्मकश चल रही थी, एंड इवन आवर फैमिलीज, माई हस्बैंड्स एंड माइन, दे लाइक द बॉय अ लॉट, बट वी फेल्ट कि मे बी वेरी सून द टू फैमिलीज वर सो डिफरेंट दैट माई डॉटर मे रिग्रेट हर डिसीजन, एंड वी डिड नॉट वॉन्ट दैट आवर डॉटर टू गो थ्रू दैट। सो बस दो थोड़े से ही शब्दों में गुरुजी से मैंने ये कहा, ये मानती नहीं गुरुजी, एंड ही टोल्ड मी तू मना करते। सो आई एम गोइंग टू इवन नॉट गोइंग टू टू मच डिटेल, बट थोड़ी देर गुरुजी, मैं वहीं बैठी रही गुरुजी के आगे जब मत्था टेका था, और गुरुजी भी बिल्कुल चुप हो गए।
और वो भी कुछ सोच रहे थे, फिर उन्होंने मेरी बेटी पीछे बैठी थी उसको हाथ के इशारे से बुलाया और कहा चल तू अपने साहब नू ले गया। व्हेन आई लुक बैक देन आई फेल्ट दैट ही इज कॉल टेलिंग हर टू कॉल हर फ्रेंड द बॉय शी लव्स, बट आज जब मैं सोचती हूँ गुरुजी ने क्या कहा, तू अपने साहब नू ले गया, दैट मीन्स ही उनके उन्होंने तो उसी वक्त कल्याण कर दिया ना, ही लिंक्ड देम टुगेदर, ही पेयर्ड देम टुगेदर। एंड सो फिर अगली बार हम गुरुजी के पास जब गए तो उनको साथ लेके गए, और जैसे चाय प्रसाद लंगर प्रसाद एम्पायर स्टेट में जैसा होता था हमने भी किया, और जब गुरुजी की आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने इशारे से बोला साइड में बैठ जाओ। जब स्पेशल ब्लेसिंग्स गुरुजी ने देनी होती थी गुरुजी रोक लेते थे संगत को। उस दिन हमारा किस्मत वाला दिन था संगत जी। और फिर गुरुजी जब संगत चली गई सब सिर्फ थोड़े से लोग रह गए, तो गुरुजी अपने कमरे में गए और कपड़े बदल के, गुरुजी कंफर्टेबल कपड़े पहन के आते थे, द चोले में जो गुरुजी बैठते थे इतने सुंदर चोलों में इन एम्पायर स्टेट, दैट वाज हिज डिवाइन अवतार। बट द ह्यूमन द आई विल नॉट से द ह्यूमन बट आ गुरु जो हमारे सिंपल गुरु हैं, वो चोला उतार के गुरुजी आते थे इन हिज ट्राउजर्स एंड टी शर्ट, एंड देन ही जस्ट सैट विद अस, नीचे कारपेट पे बैठते थे जस्ट एज हमारे साथ बैठते थे। तो उस दिन गुरुजी ने मेरी डॉटर और सन इन लॉ को बोला कि उनकी बॉडी दबाएं। गुरुजी टेक लगा के बैठ गए, पीछे मेरी डॉटर को इशारा किया कि उनके उनको बोला चल तू मेरे कंधे दब, मोडे दब, मोडे इज हिज शोल्डर्स, एंड ही टोल्ड माई सन इन लॉ कि नाउ ही इज माई सन इन लॉ, ही टोल्ड हिम कि चल तू मेरे पैर दब। तो मेरी बेटी उनके हाथ और उनके कंधे दबा रही थी, और मेरे जो और अंकित जी जो मेरे अब सन इन लॉ है वो उनके पांव दबा रहे थे। गुरु जी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू देम, और मेरी बेटी को बोलते हैं तू फौजी दी बेटी है ना, फिर जोर नाल दब ना। शी सेड गुरु जी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है मुझे डर लगता है कि कुछ मैं कुछ हो ना जाए आपको। तो गुरुजी स्माइल्ड एंड सर नहीं मैंने कुछ नहीं होंदा, तो जोर ना था। संगत जी नाउ आई रियलाइज जब मैंने कितनी सत्संग संगत के सत्संग सुने हैं गुरुजी जोर से दबाते थे शायद वो कष्ट को निकालते थे और अपने को दर्द देते थे, वो कष्ट हरते थे। और संगत जी सुनने वाली बात ये है कि मेरे जो अंकित जी मेरे सन इन लॉ गुरु जी के पांव दबा रहे थे, तो बातें करते करते गुरु जी उसको कहते हैं ए देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। जब गुरु जी ने ऐसा कहा सो आई लुक्ड एट हिज फीट, गुरु जी के चरण काले हो रहे थे संगत जी। उस वक्त मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, कोर्स आई वॉज वरीड बट गुरु जी वॉज टॉकिंग एंड स्माइलिंग। बाद में अंदर जाके गुरु जी ने क्या कष्ट भोगा होगा आई वॉज नॉट ए विटनेस टू दैट, बट वॉट आई सॉ वॉज कि गुरु जी के पैर काले हो रहे थे। तो अब मुझे इतनी समझ है कि गुरु जी ने आने वाला क्या कष्ट था, क्या क्या कष्ट था आई विल से जो गुरु जी ने हर लिया। और थोड़ी देर के बाद आधा घंटा करीब उनसे दबवाया, थोड़ी देर के बाद गुरु जी के पैर भी ठीक हो गए, एंड ही गॉट अप एंड ही सैट डाउन वहीं पे कारपेट पे, और अंदर से उन्होंने इशारा किया तो फ्रेश लंगर दोबारा आया। एक ही प्लेट से हम तीनों ने खाया। उसके बाद गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनवाया, और एक स्टील की प्लेट में गरम गरम कड़ा प्रसाद आया विथ 3 टीस्पून, और हम तीनों ने बेटी ने अंकित जी ने और मैंने हमने वो कड़ा प्रसाद गुरुजी की प्रेजेंस में खाया। जब हमने खा लिया तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला अपने पास बुलाया और कहा मुझे क्या कहते हैं मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है। देखिए कहां कुछ दिन पहले गुरुजी ने वॉज टेलिंग मी टू रिफ्यूज दिस प्रपोजल, कितनी मेहर की, कितना मान रखा, कितनी इज्जत दी मुझे और कितना प्यार बरसाया बच्चों पर, एंड ही टेल्स मी मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है। एंड संगत जी दे बीन मैरिड नाउ, इट्स अबाउट सेम 2007 जनवरी में फिर महाराज ने इतनी सुंदर शादी करवाई उनकी।
दे हैव अ ब्यूटिफुल हैप्पी मैरिज। पर जो भी कष्ट थे गुरुजी को नजर आ रहे थे, कहते हैं ना गुरुजी कि मेरे से मांगा मत करो, मुझे मानो, क्योंकि जो भी हमारे कष्ट हैं, जो भी हमारी सफरिंग्स हैं, वो हमारे कर्मों का खेल है और उसका हेर अदल बदल ही करते हैं गुरुजी। अगर आज मैंने कोई चीज मांगी है महाराज ये माफ कर दो, ये कष्ट दूर कर दो, तो वो उसको दूर कर देंगे और आगे कर देंगे या किसी और चीज में डाल देंगे। भोगना तो हमने ही है, उसको बहुत मिनिमाइज कर देंगे, पर किसी ना किसी तरह तो हमने ही उसको काटना है। दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड। सो आगे फिर कुछ सालों बाद जब गुरुजी महासमाधि ले चुके थे, देर वॉज अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन द बिजनेस। संगत जी, देर हैज बीन नो प्रॉब्लम इन देयर रिलेशनशिप टुगेदर। दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड लविंग रिलेशनशिप। कष्ट कहाँ था, क्या नहीं था, ओनली गुरु जी नोस। एंड आफ्टर सम इयर्स देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ ट्रबल विद द बिजनेस, और मतलब टू द एक्सटेंट कि कोर्ट कचहरी के बड़े चक्कर लगते थे। और आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट एंड मैं बच्चों को कहती थी महाराज बहन गुरु जी हैव फेथ इन हिम। बट मैं भी अंदर से हिल गई थी एंड आई वुड सिट विद गुरु जी। और एक दिन मैं गुरु जी के साथ बैठी थी और अपने दिल में ही कह रही थी, उस दिन मैंने महाराज से कहा, महाराज हुन तुसी बख्श दो, माफ कर दो गुरु जी, आई डोंट नो वॉट इट इज बट आप बख्श दो। संगत जी और मैं, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जब मैंने ऊपर देखा महाराज के स्वरूप की तरफ, गुरु जी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। यू मस्ट बिलीव मी, देर इज नो एग्जैजरेशन। एंड आई हर्ड हिज वॉइस, ही टोल्ड मी वो शॉल कितने है। संगत जी बहुत साल पहले, मैं दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 2004, एम्पायर स्टेट में, कश्मीर से मैं, मेरा दिल कर रहा था गुरु जी के लिए एक शॉल लेके जाऊं, और डर भी था कि गुरु जी डांट देंगे कि वाई, गुरु जी नेवर वॉन्टेड एनीथिंग, कुछ नहीं लेते थे, बट मेरा बहुत दिल था। तो मैं ले गई उनके लिए एक पश्मीना जैन शॉल, और जब फिर मैं दिल्ली एम्पायर स्टेट गई तो मैंने बस वो पैकेट में थी और गुरु जी के हाथ में, उनके हाथ में दे दी, कुछ नहीं बोली, और गुरु जी भी कुछ नहीं बोले, ही जस्ट टुक इट, देन ही केप्ट इट ऑन हिज लैप और फिर मुझे वापस दे दी। और मुझे कहते हैं एक मेरी तरफों कुड़ी दे व्याज दे दी। संगत जी, इन 2004 देर वॉज नो क्वेश्चन और नो टॉक अबाउट माई डॉटर्स वेडिंग। उस वक्त मैं शॉल लेके चली गई, मेरा दिल थोड़ा सा दुखा कि महाराज ने मेरा गिफ्ट नहीं लिया। बट नाउ आई विल लिंक इट टू दिस कि अब इतने, मतलब 2010 की बात है या 9 की बात है, जब मैं वहां बैठी थी गुरुजी के पास एंड गुरुजी की आवाज आई, वो शॉल कितने है। सो ये शॉल मैंने बेटी की शादी में दे दी थी सन इन लॉ के लिए, तो मैं समझ गई गुरुजी क्या इशारा दे रहे। तो मैंने बेटी को फोन करके बोला कि वो शॉल कहाँ है। शी सेड, मामा ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि अंकित तो शॉल नहीं पहनते। आई सेड, आई टोल्ड हर व्हाट गुरुजीस हुकुम वाज। उन्होंने वो शॉल निकाली एंड ही स्टार्टेड, वो ओढ़ने लगे थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम को। एंड संगत जी, यहाँ भी मैं बहुत छोटे में बता रही हूँ कि महाराज ने बहुत खूबसूरती से वो कष्ट दूर कर दिया। पर देखिए गुरु जी की मर्जी है ना, कितना कष्ट हमसे, हमने भोगना है, कब उस कष्ट का निवारण हो रहा है, ही नोज। बट द फैक्ट इज दैट इट इज, ही इज लुकिंग आफ्टर अस, ही विल नेवर लेट अस फॉल। सो ये पेशेंस रखिए, ये फेथ रखिए कि गुरु जी इज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर अस। और जो मैं रिसेंट सत्संग आपको सुना रही थी कि गुरु जी ने तब 2006 में दोनों से दबवाया था, अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, दिस आई केम टू नो फॉर माई डॉटर लेटर, बिकॉज बच्चे आज, यू नो, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, दे डोंट शेयर एनी टर्मोइल दैट इज गोइंग ऑन इन देयर पर्सनल लाइव्स, विच इज गुड। गुरुजी भी ये कहते थे, मेरे नाल गल्ला करो, डोंट शेयर इट विद पीपल, नोबडी कैन हेल्प यू, किसी से अपने दुखड़े मत रोवो या सुनाओ, वो नेगेटिविटी बढ़ती है। फेथ इन मी, कर्म काटते चलो, हैव फेथ इन मी एंड जस्ट बिलीव दैट आई एम विद यू। सो एनी वे शी टोल्ड अस,
बाद में कि माय डॉटर इज ऑफकोर्स टोटली डिवोटेड टू गुरुजी एंड ऑफन गोज टू बड़ा मंदिर एंड ऑफकोर्स टू सत्संग ऑल्सो, घर में भी उनके होते हैं. माई सन इन लॉ ऑल्सो हैज फेथ इन हर फेथ, ही सपोर्ट्स हर फेथ, बट उनका फेथ वैसा नहीं है जैसे मेरी बेटी का है. पर गुरुजी ने कब वो फेथ को जगाना है, दैट ऑल्सो ही नोज. 3 वीक्स बैक, मतलब फॉर सम टाइम बिजनेस में थोड़ा कष्ट चल रहा था, कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, बहुत कोशिशों के बावजूद वो आगे बढ़ नहीं रहे थे. पर गुरुजी ने देखिए, ही वॉज अंकित वॉज विद हिज फ्रेंड के ऑफिस में थे, और उनको फ्रेंड को बड़े मंदिर से फोन आया, किसी काम से फोन आया, और वो उन्होंने कहा यार मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल. और देखिए अंकित एकदम तैयार होके उनके साथ खुशी खुशी चले गए. माई डॉटर डिड नॉट नो वो वहां उनके साथ चले गए. एंड वहां पे बड़े मंदिर में दरबार में बैठे, वहां लंगर प्रसाद हुआ. दे इनसाइड ऑल्सो दे मेट, आई थिंक गौरव भैया ऑल्सो दे मेट. एंड संगत जी ही केम बैक एंड ही टोल्ड माई डॉटर, शी वॉज क्वाइट सरप्राइज कि वाह गुरु जी आपने आज इनको बुला लिया. एंड संगत जी द नेक्स्ट डे वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वॉज क्लियर्ड. तो देखिए कहाँ उन्होंने ब्लेस करना है. और यहाँ आपको बड़े मंदिर की भी महत्व का आपको समझ आएगी कि बड़े बड़े कल्याण गुरु जी कहते से मैं इतने करांगा, 12 ज्योतिर्लिंग के शक्तियां मैं इसमें डाल के जा रहा हूं. तो बड़ा मंदिर वाकई वड्डा मंदिर है, गुरु जी कहते सी ना वड्डे मंदिर, इट इज अ वड्डा मंदिर. और देखिए अगले दिन एक प्रोजेक्ट क्लियर हो गया, और 4-5 दिन बाद मेरे बेटे मेरे सन इन लॉ को गुरु जी का स्वप्न आया. सुबह उठ के उन्होंने मेरी बेटी से कहा आज मुझे गुरु जी का सपना आया. शी वॉज क्वाइट सरप्राइज कि इतने सालों में मुझे तो गुरु जी कभी आपका सपना नहीं आया. और सपने में क्या देखा उन्होंने कि गुरु जी उनकी मदर मेरी डॉटर के मदर इन लॉ गुरु जी को दरवाजे से पे लेने गई हैं. मतलब माई सन इन लॉ ओनली सॉ कि गुरु जी आए हैं और उनकी मदर उनको लेने गई है और ला के अंदर ड्रॉइंग रूम में बिठाया है, और फिर दोनों बच्चों को अंदर से बुला के लाई हैं कि गुरु जी आए हैं. तो जब ये बाहर आए दोनों, ये ड्रीम है, तो उन्होंने देखा कि गुरु जी आए हैं. एंड गुरु जी वॉज वेयरिंग ट्राउजर्स एंड अ वेरी सिल्क लाइक ग्रे स्ट्राइप्ड शर्ट. और बस गुरु जी वहां आके बैठ गए और इशारा किया दोनों को कि उनको दबाएं. और जैसा 2006 में था वैसा ही गुरु जी ने ड्रीम में दोनों से दबवाया. काफी देर दबवा के फिर भी वो चले गए. संगत जी देखिए गुरु जी फिर कल्याण करने आए थे. तो जो उस और आफ्टर 2 डेज जो दूसरा प्रोजेक्ट अटका हुआ था वो भी क्लियर हो गया. सो कितना शुक्राना करें महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना. मैं घड़ी की तरफ अब देख रही हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती थी, बट आई विल रिस्पेक्ट द टाइम एंड आई विल ओनली से दैट महाराज से जुड़े रहिए, हैव फेथ इन हिम, लव हिम अनकंडीशनली एंड जस्ट हैव द पेशेंस. किसी के काम जल्दी हो जाते हैं, किसी के बाद में होते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट ही लव्स दैट संगत मोर एंड द अदर लेस. नहीं, उनके कर्म शायद कम थे या उनको उसी वक्त कल्याण चाहिए था. आपका थोड़ा और कष्ट कटेगा गुरु महाराज तब कल्याण कर देंगे. सो आई कैन ओनली से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी. बट आज मैंने 2 बातें और भी सोची थी विच आई वॉन्ट टू शेयर. इट्स अ लिटिल सम थिंग्स विच आई ऑब्जर्व एंड आई वॉन्ट टू शेयर कि गुरु जी की मर्यादा को हमें कायम रखना है. वन ऑफ द थिंग्स इज कि गुरु जी के सत्संग बहुत ही सिंपल होने चाहिए. गुरु जी हमेशा सिंपल ही चाहते थे. वो कभी जैसे मैं पुराना जलंधर की बात कर रही हूँ, गुरु जी किसी भी संगत के घर चले जाते थे, कुछ संगत को लेके एक मैसेज दे देते थे कि आंटी असी शामी आवांगे या कल आवांगे. नॉर्मली फ्यू आवर्स का ही वो वार्निंग देते थे. तो उतने टाइम में ही वुड से कि इतने लोगों का लंगर बना लेना. तो लंगर बना लेना मतलब घर में बनता था और कोई ये इलेबरेट डेकोरेशंस नहीं होती थी. जो जिसका घर था गुरु जी वुड कम. इवन इन गुरदासपुर वेन गुरु जी केम टू द कमांडर्स हाउस देर वॉज नो
नो बिग फ्लोरल अरेंजमेंट्स और दिया लगे हुए, कुछ भी नहीं. उनका जैसा लिविंग रूम था वैसा ही था. गुरु जी वो सिटिंग ऑन अ चेयर, बाकी सब संगत, हम लोग सिर्फ 15 लोग थे, नीचे कारपेट्स पे बैठे थे. सो व्हाट आर माय रिक्वेस्ट इज कि गुरु जी के सत्संग बिल्कुल सिंपल रख लिए. उसकी वजह से आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. अच्छा, व्हाट आई सी इज कि सम ऑफ द सत्संग जो लोग अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, आई सी सो मेनी रील्स दैट सच इलेबोरेट सत्संग आर हैपनिंग कि मेरे ख्याल फ्यू लैक्स के तो फूल ही लग जाते हैं. तो जब नई संगत ऐसी चीजें देखती है वो घबरा जाते हैं. दे थिंक हम तो गुरुजी के लायक ही नहीं है, और वो सत्संग करने से घबराते हैं. सो हाथ जोड़ कर मेरी पहले तो संगत से ये रिक्वेस्ट है कि एवरीबडीज लाइफ इज डिफरेंट. गुरु जी लव्स यू फॉर हु यू आर. आपके भाव की वजह से वो आपको प्यार करते हैं, आपके कर्मों की वजह से वो आपको प्यार करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट जो जो भी इलेबरेट चीजें आप करेंगे. एंड द अदर रिक्वेस्ट, सो आप जस्ट फ्यू फ्रेंड्स या कुछ संगत को बुलाइए घर में. अगर लंगर बना सकते हैं तो थोड़ा लंगर बनाइए. सिर्फ चाय प्रसाद लगानी रखनी है सिर्फ वो रखिए. बट द मेन थिंग इज कि बैठ के सब संगत मिलकर खुशी से गुरु जी के ध्यान में सिमरन करिए. गुरु जी उसी में खुश होते हैं. जब स्ट्रेस है कि कौन आया कौन नहीं आया, उसको चाय मिली कि नहीं, उसको ये हुआ कि नहीं, फूल ठीक है कि नहीं, आई वुड से प्लीज अवॉइड इट. एंड ऑल्सो टू द पीपल, ऐसे बड़ी बड़ी सत्संग करके फोटोग्राफ्स आप डालते हैं तो आप जो है दूसरे नई संगत को गलत मैसेज दे रहे. एंड द अदर रिक्वेस्ट इज, मेनी टाइम्स मैं सत्संग में देखती हूँ, पुरानी संगत, अनफॉर्चुनेटली पुरानी संगत में भी देखती हूँ, कि लोग गिफ्ट्स लेके आते हैं और वो गिफ्ट्स होते हैं होस्टेस के लिए, बट वो जितने भी पैकेट्स हैं वो लाके गुरुजी के चरणों में रख देते हैं ताकि गुरुजी उनको ब्लेस करें. वो वजह है या सबको गुरुजी को दिखाना चाहते हैं या सबको दिखाना चाहते हैं, आई डोंट नो. लाइक आई सेड, गुरुजी डजंट लाइक एनी शो ऑफ. और गुरुजी ने कभी किसी से कोई ऐसे गिफ्ट्स कभी नहीं लिए. मैं जलंधर की बात कर रही हूं, मैं एम्पायर, कोई भी गिफ्ट्स लाके गुरुजी के चरणों में नहीं रखे जाते थे. जो सेवा किसी से कही जाती थी वो बड़ी सीक्रेसी में और मतलब किसी को दिखा के नहीं की जाती थी. और वो सेवा भी होती थी मे बी फॉर बड़ा मंदिर या कोई और कारज या किसी के कष्ट काटने के लिए. बट सो माई रिक्वेस्ट इज कि अगर आप किसी के घर सत्संग में गए हैं और उस होस्टेस के लिए आप कुछ लेके गए हैं तो उसको पहले उनके कमरे में रख के आइए. महाराज के आगे सिर्फ अपना सर झुकाइए. एंड आई एम रिमाइंडेड इन एम्पायर स्टेट, लंगर वहां जिनकी सेवा होती थी वो बना के लाते थे, पर जो मिठाइयां होती थी वो हम लोग सभी संगत कुछ ना कुछ लेके चले जाते थे. और हर बार नहीं, कभी जब दिल किया, वी वर नेवर टोल्ड टू ब्रिंग. जब हमारा दिल करता था कुछ डब्बे, कभी लड्डुओं के कभी बर्फी, मोस्टली लड्डू बिकॉज दैट वॉज गुरुजी लाइक टू सर्व दैट. तो वो जो डब्बे थे हम गेट से अंदर जब जाते थे तो सीधा पहले किचन में जाते थे, वो डब्बे वहीं रखाते थे और फिर आके गुरुजी के आगे मत्था टेकते थे. अब गुरुजी ने अंदर से ही वो सबको लंगर में बांटा जाता था. एंड देर इज नो नीड टू टेल हिम. सो माई रिक्वेस्ट इज कि प्लीज ये गिफ्ट्स वगैरह लाना बंद करिए. बाकी किसी ओकेजन पे ले आइए ना, जब आप अपनी फ्रेंड्स को मिलते हैं तब जो मर्जी दीजिए. सत्संग की मर्यादा को रखिए, कीप इट सिंपल, और उसमें आप ही का स्ट्रेस कम होगा. नहीं तो आप सोचते रहेंगे पिछली बार ये ले गई थी अब क्या ले जाऊं, वो ये लाई थी मैं क्या ले जाऊं. रिमूव दिस क्लटर, दिस इज क्लटर. रिमूव दिस क्लटर फ्रॉम योर लाइफ. बी सिंपल, बी हैप्पी, बी डिवोटेड टू गुरुजी महाराज. मैं सबसे आज्ञा लेती हूं. बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज का ये मौका दिया. शुक्रिया गुरुजी. और जो आपकी आई हुई संगत है, आपने पेशेंटली यू गेव मी टाइम, यू हर्ड मी, बहुत बहुत शुक्राना. सुरेश वासन अंकल, अनंतम शुक्राना आपका भी.
for giving me this opportunity to talk about my Guruji and his blessings. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji. शुक्राना गुरु जी महाराज द आंटी ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग ओवर टू यू सुमेधा आंटी। ओवर टू यू सुमेधा आंटी। जय गुरु जी महाराज। संगत जी अभी अभी सेशन से हम गुरु जी महाराज से आज्ञा नहीं लेंगे। कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक की रीडिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, शिविर चलाएंगे। अभी आज्ञा दो महाराज, आई विल रीजॉइन इन सम टाइम। अनंतम शुक्राना महाराज, अभी के लिए आज्ञा दीजिए।